एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं आपके साथ बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणधीर कपूर और करीना कपूर और करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर को लेकर। जी हाँ, रणधीर कपूर जिनकी हालत बेहद ही नाजुक है और हॉस्पिटल से अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि रणधीर कपूर की हेल्थ अपडेट लगातार सामने आ रही है और ऐसे में स्टेटमेंट सामने आया है रणधीर कपूर की छोटी बहन रीमा जैन का, जहां पर रीमा जैन ने खुद दर्द भरा पोस्ट बयां किया है फैंस के आगे और रोते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी अपने भाई से जुड़ी और साथ ही अपने भाई ऋषि कपूर और राजीव कपूर के निधन से जुड़ी, जिसे सुनने के बाद शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाए। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। कोरोना से संक्रमित करीना कपूर के पिता रणधीर कपूर इन दिनों कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। फिलहाल रणधीर कपूर की हालत नॉर्मल है। खबरों की माने तो रणधीर कपूर को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है, क्योंकि रणधीर कपूर जितने दिन अस्पताल में रहेंगे उतने दिन डॉक्टर्स रणधीर कपूर का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। आपको बता दें कि रणधीर कपूर की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी। दो वैक्सीन की लेने के बावजूद भी रणधीर कपूर को कोरोना हो गया, जिसकी चपेट की में आने के बाद उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बता दें कि अब रणधीर कपूर हॉस्पिटल के आईसीयू में है और इस बीच रणधीर कपूर की छोटी बहन रीमा जैन का दर्द बयां करती हुई रीमा जैन सामने आई है। 30 अप्रैल को रणधीर कपूर के छोटे भाई ऋषि कपूर की पहली एनिवर्सरी थी और इस मौके पर रीमा जैन ने ऋषि कपूर को याद करते हुए कहा था कि मैं अपने दो भाई ऋषि कपूर और राजीव कपूर को खो चुकी हूँ, एक अस्पताल में भर्ती है, इसलिए मैं बहुत अच्छी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बता दें कि रणधीर कपूर कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कैसे इस वायरस की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि रीमा जैन ने इस बात का जिक्र किया है कि वो अपने दो भाइयों को खो चुकी है, लेकिन अब वो अपने और इस भाई रणधीर कपूर को नहीं खोना चाहती और इसीलिए रणधीर कपूर के लिए दिन रात दुआ कर रही है रीमा जैन अपने भाई रणधीर कपूर के ठीक होने की, ताकि जल्द से जल्द उनका भाई ठीक हो जाए और वो वापस अपने घर आ जाए। आपको बता दें कि ऋषि कपूर का निधन बीते साल 30 अप्रैल 2020 को हुआ था। 67 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे ऋषि कपूर। बता दें कि ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में कैंसर से पीड़ित थे। ऋषि कपूर के दोस्त रिश्तेदार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी थी और लिखा था कि वो गया, ऋषि कपूर गए, अभी अभी उनका निधन हुआ है और हम सब ऋषि कपूर के निधन से टूट गए हैं। और इसी के साथ कपूर परिवार की तरफ से ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर ने भी निधन की जानकारी दी थी। ऋषि कपूर को बुधवार को उनके परिवार ने खुद NH रिलायंस अस्पताल में भर्ती करवाया था। ऋषि कपूर को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इस दौरान अस्पताल में ऋषि की पत्नी नीतू सिंह, भाई रणधीर कपूर के साथ परिवार के सभी लोग मौजूद थे। कपूर खानदान की ओर से संदेश आया था कि गुरुवार सुबह 8:45 पर ऋषि कपूर ने अंतिम सांस ली थी। ऋषि कपूर वो ल्यूकेमिया नामक बीमारी से बता दें कि बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवार कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर ने परिवार की राह पर चलकर फिल्मों में किस्मत आजमाई थी। सन 1973 में फिल्म बॉबी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, तब से लेकर आज तक हर किसी के दिल पर राज करते थे ऋषि कपूर।
1970 में राज कपूर की ही फिल्म मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर ने बाल कलाकार में भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली यानी कि कपूर खानदान में ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। बॉबी द बॉडी, प्रेम रोग, 102, नोट आउट, मुल्क, सैकड़ों ऐसी फिल्में थी जिसमें ऋषि कपूर ने शानदार अभिनय किया था। ऋषि कपूर को हर किसी के दिल में जगह बना ली थी, अब चाहे वो रोमांस का सीन हो या फिर एक्शन सीन, हर कोई ऋषि कपूर की एक्टिंग को काफी पसंद करता था। ठीक ऐसे ही अगर बात की जाए राजीव कपूर की तो बता दें, लेकिन जहां पर ये खबर आई थी राजीव कपूर को लेकर, जहां पर कहा गया कि साल 2021 बॉलीवुड में कपूर खानदान के लिए बेहद ही बुरा रहा, क्योंकि एक और चिराग हमेशा के लिए कपूर खानदान का बुझ गया। एक्टर और फिल्म मेकर राजीव कपूर का भी निधन 9 फरवरी को हो गया था। राजीव कपूर के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर थी, पूरा परिवार काफी परेशान था। राजीव के बड़े भाई रणधीर कपूर भी बुरी तरह टूट गए थे, उन्होंने कम समय में अपने करीबियों को खो दिया। राजीव कपूर का जाना रणधीर कपूर के लिए सदमे से कम नहीं था। रणधीर ने काफी कुछ बताया, राजीव कपूर से जुड़ी कई सारी चीजें भी बताई। रणधीर कपूर ने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे साथ 24 घंटे एक नर्स रहती है, क्योंकि मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। उस दिन सुबह 7:30 बजे वो नर्स ऊपर राजीव कपूर को उठाने गई, लेकिन राजीव की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो नर्स ने पाया कि राजीव की पल्स काफी धीमी हो गई है और वो कम होती जा रही थी। हमने जल्द से जल्द राजीव कपूर को अस्पताल लेकर गए, तब तक राजीव कपूर का निधन हो गया था और इस घर में अब मैं अकेला रह गया हूँ। रणधीर कपूर के इस भावुक बयान ने फैंस को भी रोने पर मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि राजीव कपूर के निधन से पहले उनकी बहन का भी निधन हो गया था, लेकिन आपको बता दें कि इसी निधन के बाद अब रणधीर कपूर की हालत भी काफी खराब है। साल 2021 है, मई का महीना चल रहा है और ऐसे में हर कोई परेशान है रणधीर कपूर के लिए, क्योंकि रणधीर कपूर की हालत काफी ज्यादा नाजुक है और वो आईसीयू में भर्ती है। और ये सब कुछ देखने के बाद रणधीर कपूर की छोटी बहन रीमा जैन भी काफी ज्यादा टूट चुकी है और उसने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो नहीं चाहती कि उनके दो भाइयों को खोने के बाद अब वो अपने तीसरे भाई रणधीर कपूर को भी खो दे, क्योंकि रणधीर कपूर अगर इस दुनिया से चला गया या हमें छोड़कर चला गया तो हम हमेशा के लिए टूट जाएंगे, क्योंकि रणधीर कपूर अब आखिरी सदस्य बचा है हमारे परिवार में। मेरा भाई बचा है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालत में कोरोना जैसी बीमारी से अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट। सुनेगा अपनी रीमा जैन ने किस तरह से अपना दर्द बयां किया और साथ ही उन्होंने इस बात का दावा भी किया कि अगर उनके भाई रणधीर कपूर को कुछ हो गया तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी, क्योंकि भाइयों में अब सिर्फ रणधीर कपूर बचे हैं रीमा जैन के परिवार में, और अगर रणधीर कपूर को कुछ हो जाता है तो वाकई कपूर खानदान के लिए ये काफी बड़ा झटका होगा। एक साल में जहाँ पर शुरुआत में ही 9 फरवरी को राजीव कपूर का निधन हो गया था, तो वही रणधीर कपूर की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ऐसे में रीमा जैन के साथ पूरा कपूर खानदान है रणधीर कपूर के लिए परेशान। आज के लिए इतना ही।